नमस्कार दोस्तों। दोस्तों अगर आप जेपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप सही जगह में हो, क्योंकि हम यहाँ पे बताएंगे आपको कि छोटी सी छोटी तैयारी आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाती है, और बहुत ही कम कम बुक के अकॉर्डिंग, कम किताब के मदद से आप लोग एक बढ़िया रिजल्ट कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अभी बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी जनरल किताब है जो आप मार्केट से ले सकते हो, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ई बुक के द्वारा पढ़ सकते हो, और उसके थ्रू आप लोग डायरेक्ट जो जेपीएससी का एग्ज़ाम होने वाला है उसको आप लोग क्वालिफाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों हम लोग जल्दी से जल्दी बात करते हैं इस जेपीएससी के रूप में। तो दोस्तों सबसे पहले बता दें कि जेपीएससी का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो दो पार्ट में होने वाला है, एक प्री में होगा और एक मेंस में होगा। इसके बाद इंटरव्यू वगैरह जो होगा उसके बारे में फिर बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों अभी हम फिलहाल आपको इस वीडियो में पीटी के बारे में बताएंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी अगर हम तीनों के बारे में एक साथ बताएं, तीनों के बारे में एक बार में डिस्कस करने से बहुत लंबी बात हो जाएगी। तो हम जल्दी से जल्दी आपको डिस्कशन जो मेंस का है और जो इंटरव्यू का है इसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जेपीएससी का फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग कोर्स लेकर आए हैं, और अब से जो हम लोग क्रैश कोर्स के रूप में इस कोर्स को यहाँ पे अपलोड करेंगे, और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे कोई भी आपको चार्जेस नहीं लगने वाले हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, और आपको हम लोग फ्री ई नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे, यानी कि पीडीएफ के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे आपको प्रोवाइड करेंगे। तो जल्दी से सबसे पहले हम लोग पीटी के बारे में देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पीटी का सिलेबस के बारे में पता है, अगर आपको पीटी के सिलेबस के बारे में पता नहीं है तो हमारे पिछले वीडियो यानी कि जेपीएससी के प्लेलिस्ट में आप जाकर आप सिलेबस को सबसे पहले देख लें। दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम के लिए सिलेबस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप याद रखेंगे कभी भी कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक करना है या कोई भी एग्ज़ाम को आपको पास करना है तो आपको सिलेबस अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे कोई भी कोर्स कराएंगे, यहाँ पे जब जेपीएससी के कोर्स आप करोगे तो आपको सिलेबस के साथ साथ A to Z मटेरियल भी हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं। तो पीटी का सिलेबस आपको अगर नहीं पता है तो आप जल्दी से जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, या तो फिर आप हमारे प्लेलिस्ट से भी जाके देख सकते हैं सिलेबस के बारे में। तो चलिए जल्दी से जल्दी हम लोग ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट बात करते हैं कि जेपीएससी में कौन सा बेसिक सा बुक पढ़ेंगे और उससे हमारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। तो आते हैं सबसे पहले हम देखते हैं। तो दोस्तों झारखंड सामान्य ज्ञान की अगर बात की जाए तो दो पार्ट में हमारा जो प्री होने वाला है, तो सबसे पहले झारखंड के बारे में यहाँ पे हम बता देते हैं। झारखंड का जो एग्ज़ाम होने वाला है जो कि एमसीक्यू टाइप होने वाला है, झारखंड वाला पेपर जो पेपर 2 में आता है, और मैं बार बार कह रहा हूँ अगर आप जेपीएससी का सिलेबस नहीं देखे हो तो डेफिनेटली आप देख लो, आपको पूरी सिलेबस याद होनी चाहिए तभी आप आगे बढ़ पाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। और जो लोग कहते हैं कि अगर तुमने अभी तक यहाँ पे जेपीएससी की कुछ भी पढ़ाई नहीं की तो अब मत करो, ये पॉसिबल नहीं है, एकदम बकवास बात है दोस्तों, ये सब में कभी मत रहिए। अगर कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है तो उसको आप मोटिवेशन के तौर पे लीजिए कि यस आपने जो कहा मैंने उसको सुना, लेकिन करूँगा मैं अपनी, ठीक है, और देखता हूँ कैसे नहीं निकलेगा। ह्यूमन बॉडी की ये नेचर होती है दोस्तों कि अगर आप किसी भी चीज़ का जिद कर लो तो ये जिद जो है आपको उस मुकाम तक पहुँचाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। तो जिद रखना है जेपीएससी की, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी होगा जिद जेपीएससी के नाम पे या तो जो भी होगा, हम लोग इसका बैच लॉन्च किए हुए हैं, आप लोग उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो। उसमें हम लोग स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी लॉकडाउन के चलते क्या है कि एक्सटेंड हो चुका है थोड़ा सा डेट, अभी तक पता नहीं कि कब एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन जब भी एग्ज़ाम होगा तो आप उसमें क्वालिफाई कर जाओ, तो अभी से आप उस पर लग जाओ। आते हैं कि जो भी सेकंड पेपर पे आपका होने वाला है झारखंड बेसिस पे, उसमें कौन सी किताबें खरीदी जाए और कौन सी किताबें पढ़ी जाए। दोस्तों मुझे लगता है कि बहुतों के पास जो भी झारखंड तैयारी कर रहे हैं या पहले भी जेएसएससी की तैयारी कर रहे होंगे तो उनके पास ये बुक जरूर होगा।
लुसेंट एक बहुत ही प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध और जानी मानी बुक है। इसमें बहुत ही अच्छा कंटेंट्स दिया हुआ है दोस्तों। अगर कोई आपको कह रहा हो कि आप इतनी पतली सी बुक पढ़ के आप क्या कर लोगे, तो उनको आप गलत बता सकते हो, क्योंकि इसमें इतना सटीक पॉइंट्स दिया हुआ है दोस्तों कि आप इजिली इसको हर एक सेक्शन पर लागू कर सकते हो। आप अगर यकीन नहीं होता तो आप झारखंड जेपीएससी की आप सिलेबस उठाओ और इस बुक से आप मैच करना स्टार्ट करो। देखो आपको हर एक पॉइंट आपको आसानी से यहाँ पे मिल जाएगा। आते हैं कि देखिए आपके पास दो बुक का यहाँ पे ऑप्शन मैंने दिया, एक झारखंड के ये मनीष रंजन के बुक है, डॉक्टर मनीष रंजन जो कि आईएएस है, इनका बुक अभी सबसे ज़्यादा और सबसे विश्वसनीय है। आप इसको जरूर से जरूर ले लें दोस्तों, अगर आप जेपीएससी क्रैक करना चाहते हो। इसमें संपूर्ण ज्ञान का भंडार है, इसमें आपको A to Z सब चीज़ मिल जाएगा। लेकिन पढ़ना कैसे है, आप तो ये बुक ले लोगे, आपके पास उतना टाइम अभी नहीं है। उसका स्मार्ट तरीका हम अगले वीडियो में आपको लेकर दिखाएंगे या आपको बताएंगे, जिसमें आप बहुत ही आसानी से आप देखोगे कि आप देखते देखते आपको पूरा सिलेबस आपका हो जाएगा। एक और स्ट्रेटेजी है दोस्तों कि अगर आप किसी भी सिलेबस को आप जब पलट रहे हो या आप देख रहे हो, तो उसका प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में भी आपको सोचना होगा। प्री पेपर, प्रीवियस ईयर का पेपर जो है उसको आपको सॉल्व करना होगा। एक बार दो बार आप सॉल्व करके सबसे पहले उसका आइडिया ले लो कि कैसे करना है, जो कि हम लोग यहाँ पे कराएंगे आपको। डेली MCQ टाइप में हम लोग देंगे, अपलोड करेंगे यहाँ पे। आप पिछला वीडियो भी आप जाके देख सकते हो, हम लोगों ने झारखंड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि पिछले बार जो आए हुए थे वो सब के बारे में भी डिस्कशन किया हुआ है, और आगे भी ये सब चलता जाएगा। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो, बहुत सारे जो भी क्वेश्चन है MCQ क्वेश्चन है हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। आते हैं कि मनीष रंजन और लुसेंट दोनों में से पहले कौन सा पढ़े, ठीक है? तो ये ना कहीं बहुत ही बड़ा ये सवाल होता है, और सभी का ये सवाल होता है कि सबसे पहले हम कौन सा पढ़ें। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करो, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आपको खुद पे जज करना होगा, अपने आप को जज करें, क्योंकि आप ही अपने आप को समझ सकते हो और आप ही आकलन कर सकते हो अपना कि किस तरह से हम आगे रिप्रेजेंट करें अपने आप को ताकि एग्जाम क्लियर हो। तो अगर आप जीरो लेवल से क्रैक कर रहे हो, मतलब प्रतियोगिता में आप एंटर करने वाले हो, तो इस बुक को थोड़ा सा साइड रख दें। सबसे पहले आप इस बुक को ले लें, सबसे पहले आप इस झारखंड के बुक को ले लें, क्योंकि इसमें कंटेंट्स कम है। कंटेंट्स कम है का ये मतलब नहीं कि आपके टॉपिक्स कम है, टॉपिक्स बहुत ज़्यादा है, सभी सफिशियंट टॉपिक है, लेकिन इसमें जो लिखा हुआ है वो सटीक भाषा में बहुत ही कम शब्दों में, बहुत ही आसान शब्दों में लिखा हुआ है। तो आप इसको शुरू से अंत तक एक बार रीडिंग कर ले सबसे पहले, ठीक है? आप सिलेबस उठाए, सिलेबस को देखे, सिलेबस में आपका कौन सा है, जैसे PT का हम लोग ले लेते हैं, सेकेंड पेपर का, जैसे कोई शासन व्यवस्था का है, एक कोई भी ले लेते हैं, शासन व्यवस्था का, मुंडा शासन व्यवस्था का है, मुंडा शासन व्यवस्था आप इसमें निकालें। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी चलेंगे, किताब के अकॉर्डिंग नहीं चलना है आपको अभी, क्योंकि आपके लिए बहुत कम समय बचा है और बहुत यूनिक तैयारी आपको करना है, और स्मार्ट वे का स्ट्रेटजी हम लोग सिखाएंगे आपको, हम लोग बताएंगे आपको इस यूट्यूब चैनल में। तो आप इसको सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, क्योंकि आपके लिए सेट्स भी हम लोग लाएंगे, जो भी प्री के लिए और जो भी मेंस के लिए सेट है उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे ऑनलाइन। तो मुंडा शासन व्यवस्था को जैसे पढ़ना है तो आप इससे पढ़ लें। अब क्या करना है, जैसे आपको थोड़ा सा आइडिया चल गया कि मुंडा शासन व्यवस्था आपके लिए है क्या, तो आप क्या करें, अब मनीष रंजन को उठाए, अगर आपके पास दोनों बुक अवेलेबल है तो आप मनीष रंजन उठाए और मनीष रंजन में भी आप मुंडा शासन व्यवस्था आप पढ़ लें। अब क्या होगा, आप जीरो लेवल से यहाँ पे आप 90% लेवल तक आ जाओगे, जो कि आपको मुंडा शासन से यदि आपके एक प्रश्न है तो आपके डेफिनेटली वो सब क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, जैसे इस तरह के ही स्ट्रेटेजी लेके आपको आगे बढ़नी है यहाँ पे। कोई भी घबराने की बात नहीं है कि हमारे पास कम टाइम है या नहीं है। आप दोस्तों सबसे पहले ये कवर करें कि सबसे पहले आप सिलेबस का कोई भी 20%, मात्र 20%, कोई भी 20% सब्जेक्ट उठाएं, कोई भी टॉपिक उठाएं 20%, और उसको एक टारगेट बना लें कि एक वीक में हमें इसे कंप्लीट करना है। एक सप्ताह के अंदर उस 20% को ले लें और उसको इतनी अच्छे से तैयारी कर लें कि उस 20% से जब भी क्वेश्चन आए मेरा छूटे ना, ठीक है? और भी कुछ स्ट्रेटेजी है आपको वीडियो के दौरान आपको मिलेगा देखने को। अभी आगे बढ़ते हैं।
तो इस तरह से आपको यहाँ पे झारखंड का ये पढ़ना है। अब जब आप इसको पढ़ लेंगे, जब आपने इसका सब्जेक्टिव तैयार कर लिया ल्यूसेंट से और क्या कहते हैं मनीष रंजन से, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको स्ट्रेटेजी अपनानी है। अब आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिस सेट लेना है, प्रैक्टिस सेट, ठीक है। अभी वो कौन सा लेना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उस प्रैक्टिस सेट से, उससे व्यवस्थित कोई भी आप टॉपिक वाइज भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मुंडा शासन के अकॉर्डिंग कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हो सवाल को कि मुंडा शासन में इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, आप उसको सॉल्व करो। डेली आपको कम से कम 10 सेट, 10 क्वेश्चन का, 10 10 क्वेश्चन का 10 सेट बनाए। एक सेट 100 से बनाने से ज़्यादा बेटर है दोस्तों कि 10 सेट आप 10 क्वेश्चन का बनाए, इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा मिलेगा। इसको कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर आप दिन भर में एक सेट 100 क्वेश्चंस का बना रहे हैं, तो उसमें जो आप टाइम दे रहे हैं उससे भी कम टाइम आपको 10 क्वेश्चन में, 10 सेट में आप बनाइए। इसको पार्ट वाइज बना लीजिए, जैसे मॉर्निंग में मैंने 2 सेट कर लिया, या मॉर्निंग में मैंने एक किया, इसके बाद 10 बजे या 11 बजे के करीब 2 सेट और मार लिया, इसके बाद क्या किया शाम को या दोपहर के बाद 2 बजे 2 सेट मार लिया, इसके बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद फिर 2 सेट मार लिया, इसके बाद सोते समय 2 सेट। तो ये 10 10 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगी ये 100 सेट मारने के बिना, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन भी यहाँ पे 100 आपने मार लिया, लेकिन आपने क्या हुआ, इतना अच्छा से टाइम मैनेज किया कि आपको फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ। यहाँ पे सबसे पहले कूल माइंड में रहना, आपने साइकोलॉजिकली इफेक्ट को एकदम समझना है और एकदम कूल माइंड में रहना है, और सब चीज़ बहुत ही बढ़िया ढंग से एक सजावट की तरह से आपको देखना है। आपको रूटीन कैसे बनाना है, तो अगले क्लास में हम रूटीन भी बताएंगे आपको कि इस तरह से आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप प्री को तो कोई नहीं काट सकता है। इसके बाद मेंस के बारे में हम स्ट्रेटेजी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, फिर उसके लिए भी वीडियो लाएंगे। अभी देखते हैं कि हम लोग ऑब्जेक्टिव के लिए कौन सा बुक ले सकते हैं। तो कोई भी मार्केट में ऐसे बहुत सारा रिस्पेक्टेड बुक है, बहुत सारा है, लेकिन आप हमेशा याद रखेंगे अच्छे ब्रांड की ही बुक लेंगे। कोई भी कंपनी का मैं यहाँ पे पब्लिसिटी नहीं कर रहा हूँ, ना ही कोई कंपनी मुझे पैसे देते तो शायद अच्छा रहता, लेकिन कोई भी दे नहीं रही है तो कोई बात नहीं है। ये किरण प्रकाशन है, ठीक है। आप हमेशा याद रखेंगे कि जो भी प्रीवियस ईयर के मैं बोल रहा हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको लेनी है। आप नए क्वेश्चंस जो बन रहे हैं उसको अभी भूल जाओ, क्योंकि आप अगर अभी स्टार्ट कर रहे हो तो प्रीवियस ईयर के कोई भी सेट ले लो, जो अभी तक जितना भी जेपीएससी हुई है उसके साथ आप उसको प्रैक्टिस स्टार्ट करो, अभी प्रैक्टिस स्टार्ट करो। चाहे आपने जीरो लेवल पे ही क्यों ना स्टार्ट किया हो, अभी से स्टार्ट करो, और डेली आपको एक सेट डेली इसका बनाना है, प्रैक्टिस सेट का डेली। सिर्फ बनाना नहीं है, आप उस आंसर की को आप मैच करो और उसका एनालाइज करो। एनालिसिस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी आपके एग्जामिनेशन के लिए। एनालाइजिंग का मतलब ये होता है कि आप प्रत्येक क्वेश्चन को आप लोग रिकॉल कर रहे हो, रिव्यू कर रहे हो कि अच्छा ये आंसर गलत हुआ, इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा, ये बात हमेशा याद रखना है। तो कोई भी आप मार्केट से कोई भी ब्रांड का ले लो, कोई मैगजीन वगैरह भी ले लो, क्योंकि हमें वहाँ पे क्वेश्चंस से मतलब है, क्वेश्चन आपका जो है उससे मुझे मतलब है। आंसर्स तो आपके पास है ही, आंसर्स आप देख सकते हो। ऐसा होता है, मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ कि बहुत तरह के अभी मैगजीन वाला भी कुछ कुछ सेट्स आए हुए हैं। तो इस सेट्स में क्या प्रॉब्लम होता है कि आपका आंसर की में भी शायद गलत आ जाए, आंसर की अगर गलत आ जाता तो आप कहीं ना कहीं मिसगाइडेड हो जाओ। इसीलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कोई ब्रांडेड बुक लो। अगर अरिहंत का आ रहा हो, अरिहंत का भी आप प्रेफर कर सकते हो अगर आ रहा हो तो, किरण पब्लिकेशन भी अच्छे हैं, आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। और अगर होगा तो, अगर आपको चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा कि कुछ बुक का, रिस्पेक्टेड बुक का मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूं। पीडीएफ यानी कि आपको खरीदने की उसकी ज़रूरत नहीं है, पीडीएफ सेट आपको प्रोवाइड कर दूं, वो आप कर सकते हो। तो जिसको भी चाहिए नीचे अपना कमेंट कर दीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको दे दूंगा वो चीज़, ठीक है। अब हो गई बात झारखंड की, झारखंड में आपकी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाली है। अब अगर आप इतना कर लिए तो एक भी क्वेश्चन आप गारंटी ले लो, जिस दिन आप एग्जाम देके आओगे इसके बाद आप फिर इस वीडियो में आके कमेंट करना कि आपकी रिजल्ट कैसी हो रही, क्योंकि आप खुद वहां पे अनुमान कर लोगे कि आपकी रिजल्ट कैसी होने वाली है। यानी कि यहाँ पे जीरो टू हीरो बनने की बात हो रही है, और इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं है। अगर आप जीरो हो तो खुद अपने आप को आकलन करो,
किसी को बताने की क्या ज़रूरत है कि मुझे कुछ नहीं आता है, मैं कैसे करूँगा। और जो आपको डिमोरलाइज कर रहे हैं कि आप नहीं कर सकते हो, अब मत स्टार्ट करो, अगर जेपीएससी नहीं हो पाएगा, तो आप उनको सुन लो और आके स्टार्ट करो अपनी पढ़ाई, शायद उससे आपको डबल एनर्जी मिल जाए। अब आते हैं दूसरे सब्जेक्ट की बात करते हैं, तो आपके जो लुसेंट और अरिहंत का दो, एक क्राउन का भी आता है, आप उसको भी प्रिफर कर सकते हो। ये जनरल स्टडी के लिए, जनरल साइंस के लिए या जनरल स्टडी के लिए, जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए, आप इन दोनों में से, ये तीनों में से कोई भी एक बुक ले लो, कोई भी एक बुक ले लो, उसको कवर करो आराम से। आप कवर करो जितना आप सकते हो, जितना आपसे हो रहा है उतना ही कवर करो। आप इसका मैं रूटीन जैसे बना दूंगा, आपको 30 डेज का प्लान लेके चलना। 30 डेज का हम लोग एक रूटीन बनाएंगे, क्रैश कोर्स का रूटीन बनाएंगे। 30 डेज में आपको जेपीएससी का जितना भी सिलेबस है उसका मैक्सिमम सिलेबस आपको कवर कर लेना है, और उसका हम लोग स्ट्रेटेजी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि कैसे 30 डेज में, या तो अगर उससे ज़्यादा टाइम मिला तो हम लोग 45 डेज का हम लोग करेंगे, ठीक है ना। 30 डेज के बाद जितना टाइम मिलेगा आप उसको रिविजन में लगाना, उससे ज़्यादा मत पढ़ना, क्योंकि कोई भी एग्जाम में 100% तैयारी वाले का सफलता बहुत ही कम मिलते हैं दोस्तों। उस स्ट्रेटेजी आपको लगाना है 70-80% का, बाकी काम आपका हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ कट ऑफ आपका 60 से 80%, 60 से 70% मैक्सिमम हो गया, लेकिन 80% एक अनुमानी बता दिए कि उतना नहीं जाता है कभी भी। 60 से 70% आपने अगर मार्क्स ले आया तो एग्जाम आपके हाथ में है, मैं बता दे रहा हूँ। आइए इसमें कैसे पढ़ना है लुसेंट को, जैसे कोई भी सामान्य ज्ञान का लेना है, आप सिलेबस सबसे देखिए, सिलेबस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना सिलेबस का आप कोई भी पोर्शन टच नहीं कीजिए, क्योंकि उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। अगर आप उसको 100%, अब अगर आप 100% सिलेबस कवर करने का सोच रहे हो, तो उस सोच को पहले निकाल दो, क्योंकि उससे नहीं होने वाला है कुछ। आप पहले 20% का टारगेट बनाओ, फिर 20% का टारगेट बनाओ, फिर 20% का टारगेट बनाओ, इस तरह के टारगेट को आपको अचीव करना है। अचीवमेंट के दौरान आपका ये एग्ज़ाम निकल जाएगा। और विश्वास रखो, आप लोग जितने भी लोग मेहनत करोगे उसके साथ मैं भी रहूँगा, हर एक स्टेप में मैं रहूँगा। तो आप इससे भी, मुझे लग रहा है ये बुक सभी के पास होंगे लुसेंट के समान ज्ञान, तो आप इसको कवर करो, एक एक सिलेबस को देखते हुए कवर करना है, रूटीन आपको मिल जाएगा यहाँ पे। आगे क्या करना है कि इसके बाद जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे हमारे चैनल पे भी आपको, आप अगर साइंस का, जनरल साइंस का और हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का अगर आप देखोगे, तो आपको शायद इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इस बुक को भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, डायरेक्ट आप सेट मार सकते हो। तो 1 घंटे का प्रत्येक टॉपिक का वीडियो रहता है, आप उसको फॉरवर्ड थोड़ा सा स्पीड करके आप देखो जाके, आप प्रीतम सर हमारे ले रहे हैं वहाँ पे, आपके लिए बहुत रामबाण की काम होगी, रामबाण का काम करेगा वो वीडियो। इतना अच्छा तरह से डिटेल में समझाया गया है कि आपको उसी क्लास में याद हो जाएगा। आप बाद में फिर उसको नोट कर लो, एक रफली माइंड मैप बना लो, ठीक है। माइंड मैप क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, जो कि आपके लिए और हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो चीज़, ठीक है। जब भी आप कभी पढ़ोगे या कोई लेक्चर ज्वाइन करोगे, तो आप उसका माइंड मैप बना दो। जैसे कोई भी एग्जाम का, जैसे हड़प्पा संस्कृति ले लिए, हड़प्पा हड़प्पा लिख लो, इसके बाद एक एरो देके उसमें लिख लो कब इसका खोज हुआ, इसका खोज किसने किया, इसका इसके बाद ये किस स्थिति मतलब में पाया गया, या कहाँ पे पाया गया, जगह वो जगह कहाँ पे है। तो ये होता है माइंड मैप, इस तरह का डायग्रामेटिक पढ़ना है आपको। ज़्यादा लिखने की अभी प्रैक्टिस नहीं करनी है, अगर आप लिखना चाहते हो तो वो भी अच्छी बात है, लेकिन अभी आप माइंड मैप से काम करो। इसके बाद हम लोग स्ट्रेटेजी मेंस का हम लोग देंगे, उसमें भी क्रैश कोर्स हम लोग लाएंगे मेंस के लिए, और उसके लिए भी हम लोग डेफिनेटली आपको गारंटी देंगे कि आप लोग उसको भी क्रैक कर लोगे, जो स्ट्रेटेजी से हम लोग बताएंगे यहाँ पर पढ़ाएंगे। तो इस लेसन को आप लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस कैसे चेक करना है, वो हम लोग अगले वीडियो में या धीरे धीरे लेक्चर में आपको बताते जाएंगे। इसके बाद अरिहंत या क्राउन कंपनी की आती है एक बुक, क्राउन पब्लिकेशन की, इसको भी आप लोग ले सकते हो। हिंदी मीडियम में तो हिंदी मीडियम, इंग्लिश है तो दोनों मीडियम में सारे बुक्स अवेलेबल हैं, चाहे जो भी बुक है। आगे आते हैं, इसके बाद क्या करना है साइंस के लिए। साइंस के लिए दोस्तों एनसीईआरटी, एनसीईआरटी ये सबसे मतलब क्या कहें, इसके बारे में कोई भी पॉइंट नहीं छूटेगी अगर आपने इसको कवर कर लिया दोस्तों। अगर आपके पास 6 to 10th क्लास की अभी बुक है, आप इसको 6th क्लास को उठाओ, एक चैप्टर पढ़ने में मुझे लगता है मुश्किल से 1 घंटा लगेगा,
सिर्फ उसको रीडिंग मार लो। क्या करना है, रीडिंग मार लो उसको। इसके बाद रीडिंग मारने के क्रम में आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट्स आपको हाईलाइटेड लगे या जो भी पॉइंट्स लगे कि इसमें कुछ छुपी हुई है बात है, इसमें कुछ है बात बन सकती है कि हाँ एग्जाम में आया जा सकता है, उसको आप नोट कर लो। एक बुक नोटबुक लो, उसमें चैप्टर नंबर वन लिखो, उसका लिखो। जैसे आप एनर्जी पढ़ रहे हो तो एनर्जी लिख लो। इसके बाद एनर्जी का डेफिनेशंस वगैरह नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ऐसा कुछ है आप उसको जनरली आप जानते हो, वो सब कर लोगे। जनरली उस चीज़ में दिमाग नहीं लगाना है जो आप रियली में जानते हो, वो सब चीज़ ठीक है। उसके बारे में अगर कोई SI यूनिट्स वगैरह आपको याद नहीं रहता है तो वो चीज़ को नोट करो। वो चीज़ को नोट करके एक पूरा पेपर का एक एनालिसिस, मतलब 1 से 2 पेज में आपका प्रत्येक चैप्टर, हर एक चैप्टर 1 से 2 पेज में ही रहना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। यानी कि जब हमको, क्योंकि मेरा मेन मकसद रहेगा ये जो नोट्स हम लोगों ने बनाया इसको रिव्यू करना, फिर से इसको रिवीजन करना। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, 70% अगर सिलेबस मेरा, 60 से 70% अगर सिलेबस कवर हो जाएगा तो हम लोग उसको रिव्यू मोड में डाल देंगे। हम लोग 80% सिलेबस को कवर ज़्यादा जल्दी नहीं करेंगे, पहले इसको रिवीजन करेंगे, इसके बाद फिर आगे चलेंगे। 70% इनफ है आपके लिए, ठीक है। अभी क्या करना है, NCERT, अगर आपके पास 6 to 12 का NCERT नहीं है तो आप ये बुक खरीद लो, महेश कुमार बर्नवाल का। ये बुक बहुत ही बढ़िया है, यानी कि पूरे सार संग्रह है NCERT का, उसका बहुत ही विश्लेषण करके, बहुत ही शॉर्ट टर्म में जितना उपयोगी काम का, जितना आपका विषय वस्तु है उसी के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया है, और वही चीज़ आपको इजीली एक कॉम्पैक्ट बुक में मिल जा रहा है, तो आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर ये बुक आपके पास नहीं है तो आप PDF भी ले सकते हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उसका PDF हो सकता है तो मैं आपको उसको प्रोवाइड कर दूंगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना। और अगर आप इस बुक को परचेज करना चाहते हो, ऑनलाइन घर बैठे भी आ जाएगा, आप अमेजन वगैरह से या फ्लिपकार्ट वगैरह से आप इसको मंगा सकते हो, कोई भी बुक मंगा सकते हो, उसका भी लिंक मैं नीचे दे दूंगा अगर आप उसको परचेज करना चाहते हो, ठीक है। तो ये थी हमारी पूरी बातें कि आप लोग इतना ही बुक पढ़ लोगे तो जो भी है हमारा PT वाला एग्जाम, वो डेफिनेटली मैं दावा करता हूँ कि वो निकल जाएगा आपका, इजीली निकल जाएगा। आप 0 लेवल से अभी भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो और कोई लोग आपको अगर बोल रहे हैं कि नहीं होगा, तो आप उनकी बात मत सुनो, आप उनको रिजल्ट निकाल के दिखा दो। आप रिजल्ट से बताओ, उनका जवाब देने को, उनको जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, उनको जवाब आपकी रिजल्ट देगी। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर इस तरह से तैयारी करो जिस तरह से हम लोग स्ट्रेटेजी यहाँ पे बनाए हुए हैं, वो आपको कुछ 2-3 वीडियो के बाद आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो उसके लिए आप क्या करो, स्टडी टिप्स को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकन जो है उसको आप जल्दी से प्रेस कर लो, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपका एक भी क्लास मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हम लोग JPSC का PT स्पेशल बैच हम लोग ला रहे हैं, और वो बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होगी। आप जितना भी ज़्यादा, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पे कोई भी कॉस्ट नहीं लिया जाएगा, जो भी नोट्स वगैरह देंगे हम लोग या तो जो भी चीज़ देंगे, है ना। अदर हमारे साथ बहुत सारे बैचेस चलते हैं, अगर आप कोई और एग्जाम, SSC, CHSL, NTPC, ग्रुप डी का भी हम लोग एक बैच लॉन्च करने वाले हैं, JPSC, BPSC, UPSI या JEE असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर का भी तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाली ये चैनल। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, और इस वीडियो को दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा है शेयर कर दीजिए, क्योंकि सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं एक नए एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, इस PT स्पेशल बैच को ज्वाइन करने के लिए। और हिम्मत बना लीजिए और ठान लीजिए कि इस बार आर या पार की लड़ाई होने वाली है, और ये जिद आपको JPSC क्रैक करवाएगी, और ये मेरे साथ आप लोग रहेंगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, जल्दी से शुरू करते हैं, सभी तैयार हो जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाइए। आपकी जीत आपकी मेहनत के ऊपर होगी और हमारी स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ होगी। इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जोहार झारखंड, जय हिंद।